ले लो भैया, ये देखो भाई तुम्हारे सामने 300 कुछ का ऑर्डर ले लिया। गजब का ऑर्डर पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने। देखो ये देखो भाई, ऑर्डर है 316 रुपए का, लेके जाना है साकेत सेलेक्टेड मॉल से पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पर। ऑर्डर आ गया है 203 रुपए का तुगल का बात। दोनों वॉचेस मिल चुकी हैं, जिसमें देखो ये रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दो दिन का रेस्ट के बाद आ चुका हूं मैं फिर से पोर्टर के साथ में काम करने। और भाई आज के काम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है कि अब श्राद्ध नहीं चल रहे या कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट डाउन रहेगा। अगर हाँ आज के दिन भी अगर काम नहीं हो पाता है तो समझ जाना कि पोर्टर को छोड़ने के दिन आ गए हैं और कुछ और करने के दिन आ गए हैं। मार्केट में सभी का बुरा हाल है। फिलहाल आज देखते हैं, आज है सैटरडे और आज देखते हैं भाई पोर्टर में कैसे ऑर्डर होंगे, कैसी अर्निंग होगी, क्योंकि अब पोर्टर के पास कोई बहाना नहीं है कि भाई श्राद्ध चल रहा है या कुछ नया काम नहीं कर सकते। अब भाई चल रहे हैं नवरात्रे से पोर्टर का कोई लेना देना नहीं है। फूड डिलीवरी पे फर्क पड़ता है, नॉन वेज नहीं खाते या नहीं खाते, हमारा तो फूड डिलीवरी का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा है पार्सल डिलीवरी। तो चलते हैं फटाफट फील्ड में और आज देखते हैं पोर्टर के साथ कितनी अर्निंग होने वाली है। आज हमारा है 50,000 मंथली अर्निंग चैलेंज का 11वां दिन। भाई अब निकल रहा हूँ घर से, टाइम दिखा दूँ मैं आपको, 10:46 हो रहा है और आज है 5 अक्टूबर, मतलब कि आज या तो काम आ रहा है या फिर पार है। देखो अपना पोर्टर ऑनलाइन है और ये देखो अपने 13 मिनट हो चुके हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूँ तो भाई ये सबके साथ ही इशू है, अभी किसी को भी नहीं मिल रहा है। मुझे वो लास्ट शुरू में 4 दिन के पॉइंट मिले थे, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं मिला है। अभी इसमें एरर चल रहा है जो भी है, बाकी पता नहीं कब तक ठीक होगा। फिलहाल निकलते हैं, मीटर की रीडिंग भी देख लो, 25,338 किलोमीटर चली हुई है और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कितनी चली हुई है। अभी बाइक में जो इशू था बैटरी का, बैटरी चेंज होने के लिए गई है या जो भी है कंपनी में, तो फिलहाल मैंने इसमें एक नॉर्मल वैसी बैटरी डाल ली है। सेल्फ काम नहीं करेगा पर किक से ये स्टार्ट हो जाएगी, विदाउट बैटरी तो भाई ये स्टार्ट ही नहीं होती है। मैं परेशान हो गया था 2 दिन के लिए, गाड़ी घर पे ही खड़ी थी, कोई यूज़ नहीं कर रहा था इसका, अभी भी दिक्कत कर रही है क्या? ये देखो, चलो भाई निकलते हैं और देखते हैं आज का सफ़र कैसा होने वाला है। ये निकल गए भाई अपने घर से, अगले टायर में भी हवा कम है क्या? अरे इन्होंने मारा पे, टायर बदलवाने पड़ेंगे दोनों, लग रहा अब टाइम आ गया इनका भी। भाई अगली, ये भाई ये हो गई थी ख़राब, बटन दब रहा अपना अपना, भाई कौन सा दब रहा है तेरी पहन के। तो भाई ये क्या बोलते हैं, नलकी हो गई थी ख़राब, ये डलवाई है सुबह सुबह काम पे जाने से पहले, 100 रुपये का खर्चा। चलो भैया भाई, मतलब हवा निकलो जा रही थी उसमें से और जब उसे खोलने की कोशिश करी वाल बदलने की, तो भाई देखा तो वो टूटी हुई है, नहीं तो 20 रुपये में वाल बदला जाता, पर अब वाल की जगह पूरी नलकी बदली गई। कोई बात नहीं, 100 रुपये का घाटा सुबह सुबह हो जाए। सेल्फ क्यों मार रहा हूँ मैं, अबे गाड़ी नहीं बीमारी ले रखी भाई मैंने ये। चलो भाई चलते हैं अब देवली रोड पर और वहीं आगे का सफ़र देखते हैं। मैं सोचा बता दूँ बीच में कि भाई मॉर्निंग में ही सुबह सुबह 100 रुपये का चूना लग गया हमें, क्या ये तो लगते रहते हैं, ये मंथली मेंटेनेंस में जुड़ते हैं, ये डेली खर्चों में नहीं जुड़ते हमारे। चलते हैं भाई देवली रोड पर। तो भाई 12:04 हो गई और ये देखो भाई 12:04 हो गई, यहाँ पे एक ऑर्डर आया था मेरे पास में 150 रुपये का भाई, वो भी मेरे हाथ में नहीं आया, किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं नहीं बैठा देवली रोड पर, मैं जा रहा हूँ सेलेक्ट सिटी मॉल। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया और यहाँ पर हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर भी आए थे, सबसे मिले। ये भाई ये ओला का शोरूम है ना, इसके सामने वाली गली में मैं अक्सर बैठा रहता हूँ, तो जितने भी देवली वेवली के हैं सब अपने वीडियो जो देखते हैं वो आ जाते हैं मिलने कि भाई आफ्ताब भाई 10 से 12 के बीच में मिल ही जाते हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो जिसको भी मिलना है आ सकता है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ सेलेक्ट सिटी मॉल। बहुत अच्छा लगा यार सबसे मिल के, एक भैया आए थे और आंटी आई थी भाई, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, पर वो कैमरा उस टाइम पर रखा था, ये कैमरा मतलब कि रख रखा था मैंने साइड में, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता मैं कि देख के किसी को कैमरा ऑन करूं, पर जो भी था सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था, मैं बयां नहीं कर पा रहा हूं। बाकी मैं जा रहा हूं अभी सेलेक्ट सिटी मॉल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ भाई साहब, इतने दिन बाद मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे इस तरीके से, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद ऐसा ऑर्डर आया, 316 रुपये का लेके जाना है साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल से पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन।
तो भाई फटाफट करते हैं ऑर्डर को पिकअप, मैं यहीं पर बैठा था और लेकर चलते हैं भाई इसको। तो भाई ये ऑर्डर लेके आना है सिलेक्ट सिटी मॉल के अंदर जाके एप्पल स्टोर से। तो भाई कस्टमर को कॉल करा तो वो बोल रहा है एप्पल स्टोर में जाना है। मैंने बोला भाई 20 रुपये पार्किंग का चार्ज लगेगा आपका, जो आपको देना पड़ेगा, और स्टोर से मैं अंदर से ले आऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम 20 रुपये पार्किंग का आपको दे देंगे। तो भाई ट्रिप को कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, क्योंकि ट्रिप स्टार्ट करके ही अंदर जाऊँगा, क्योंकि मेरे अगर बीच में ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो मेरी पार्किंग भी फंस जाएगी और मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पहले कन्फर्म कर ली थी, ये कर दी ट्रिप स्टार्ट। और अब हम चलते हैं मॉल के अंदर, यहाँ से लेते हैं पार्किंग। काटी 74-55 करना, इन करो 74-55 अच्छा कर ली थी, बढ़िया। ये लो भाई अपनी बाइक की एंट्री और चलते हैं मॉल में। गियर बॉय एप्पल स्टोर जो कि ऊपर है वहां से लेकर आना है, और देखेंगे भाई क्या आईपैड लेके जाना है या आईफोन, पता नहीं, जो पता चलेगा वो तो ऊपर जाकर देखेंगे। तो ऊपर से देखेंगे इस तरीके से जा रहा ऊपर और चलते सीधा एप्पल स्टोर में। कॉल करना पड़ेगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है, पर जो है पहुंच चुका फर्स्ट फ्लोर पर ही है अपना एप्पल का स्टोर। हो रहा भाई बड़ा बड़ा कटा हुआ सेब, ये भाई देखोगे आप, ये रहा अपना एप्पल स्टोर, यहाँ से लेके जाना है। फोन करना पड़ेगा किसको, क्या करना पड़ेगा नहीं पता, पर जो भी है पहले पता करते हैं। ये देखो भाई भीड़ भाई, अभी मुझे वेट करते हुए आधा घंटा हो गया है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मॉल के ऑर्डर अंदर से पिकअप करने जा रहे हो तो भाई उसके लिए आपको ट्रिप स्टार्ट कस्टमर से कंफर्म करके करनी चाहिए, ताकि वेटिंग चार्ज आपका ऐड हो। बाकी अभी तक कस्टमर बोल रहे हैं कि कोई QR कोड जनरेट हो रहा है, तो मैं एप्पल स्टोर के इधर ही खड़ा हूँ, बाहर ही वेट कर रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, मतलब कि अब मेरा वेटिंग स्टार्ट शुरू हो गया, कि शुरू के 25 मिनट होते हैं फ्री, 25 का कुछ नहीं मिलता, उसके बाद का जो भी टाइम होता है उसका 2 रुपये पर मिनट के हिसाब से बढ़ता है। बाकी देखते हैं अभी वो टाइम लगेगा कितना लगेगा, वो तो सारा बिल फट जाएगा। बाकी मैं कर रहा हूँ वेट, कॉल आ गई कस्टमर की। भाई दोनों वॉचेस मिल चुकी हैं, जिसमें देखो ये रहा मेरा, लगभग यहाँ पर 50-55 मिनट लग गए भाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है पिकअप वालों के लिए। भाई पहले उन्होंने एक QR कोड भेजा, मैंने वो ले लिया, मतलब एक वॉच ले ली, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे 10 मिनट बाद भेजा, फिर मुझे लाइन में लगना पड़ा, फिर मुझे दोबारा लेना पड़ा। भाई इतनी मेहनत, मतलब कि ये नहीं कि भाई मैं किसी बात के लिए गुस्सा कर रहा हूँ, पर नहीं, चलते भाई देखो ये दोनों वॉच मेरे पास और करते इसको डिलीवर। तो भाई अपने ऑर्डर्स मिल चुके हैं, वो टोटल टाइम जो यहाँ पर गया हमारा 50-55 मतलब टोटल 1 घंटा मान लो अभी, क्योंकि अभी तो मैं बैग में ही रख रहा हूँ, बाहर जाऊँगा पार्किंग के। इनको भाई ये लगभग 1.5 लाख प्लस के आइटम है, वॉच शायद मैंने देखा था, ऐसा कुछ लग रही थी मेरे को 80-80 हज़ार के समथिंग की, जब वो बिलिंग कर रहे थे ऐसा मेरे को दिख रहा था, पर पता नहीं कितने की है। बाकी अब मैं चलता हूँ इसको, भाई कस्टमर ने मुझे QR भेजे थे ये वॉच रिसीव करने के लिए, और मेरी डिटेल्स भी सारी यहाँ पर मेंशन थी, तब जाके मेरे को ये ऑर्डर मिला। बाकी अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी दूर लेके जाना है, कितना ड्रॉप डिस्टेंस दिखा रहा है भाई और टाइम कितना लगेगा भाई, 27 किलोमीटर दिखा रहा है पूरा, और 1 घंटा 9 मिनट लगेंगे हमें जाने में। देख सकते हो आपके सामने पूरा रूट है, ये देखो दिख गया, ये देखो आउटर रिंग रोड से लेके जा रहा है, इधर से नहीं अंदर से लेके जा रहा, चलो जैसे भी लेके जा रहा है चलते हैं और करते हैं भाई इस ऑर्डर को कम्प्लीट। ये देखो भाई 27 किलोमीटर और 316 का ऑर्डर है, चलो कोई नहीं जैसा है वैसे ही ठीक। 1:30 बज गया भाई, 1:30 बजे हमारा पहला ऑर्डर जा रहा है, आप समझ सकते हो भाई। पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच गया हूं, और यहां पर किसी कैब वाले को ये ऑर्डर देना होगा, तो भाई इस सिचुएशन से निकलते हैं फटाफट, जिसको भी देना है उसको दे दिया कर इस ऑर्डर को करते हैं कम्प्लीट। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इस ऑर्डर पर हो चुका है, तो फ़ोन करते हैं भाई कस्टमर को किसे देना है। बढ़िया है, वही देंगे ना जहाँ जा रहा है, है महंगी चीज है, 1.5 लाख से ऊपर की है। एप्पल है इसमें? हाँ जितने लेंगे भाई। ये रही गाड़ी, ये दे दिया है, मैं फोटो ले लेता हूँ एक गाड़ी का, है ना। अबे कहाँ कैमरा कहाँ पहुँच गया, अबे कैमरा कहाँ पहुँच गया मेरा भाई। ये रही गाड़ी जिसको दिया है, ठीक है रखवा दिया हमने, चलो फ़ोन करते हैं। अभी निमटना है अभी यार, और इसमें टेंशन है, फ़ोन करके बताना पड़ेगा ये वो है, इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं यार कि ट्रिप को हैंड करता हूँ, देखता हूँ वेटिंग का चार्ज पोर्टर बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। वैसे बढ़ना चाहिए भाई, 1 घंटा वेट किया था तो 70 रुपये हमारे वेटिंग के बढ़े, देखो इस पर, और देख रहे हो 70 रुपये वेटिंग के बढ़े जिसपे हमने 1 घंटा वेट किया था। ऑर्डर हो गया 386 का, और पार्किंग के पैसे लगभग राउंड फिगर पहले मांग लेते हैं जो भी है ना। तो फाइनली दोस्तों अपना ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट, 70 रुपये वेटिंग के चार्ज में, 10 रुपये पार्किंग के उन्होंने मुझे भेज दिए, बाकी पोर्टर को ऑनलाइन कर दिए। तो मैं भी इसे 5 स्टार के साथ में डन करता हूँ, हमारा और कस्टमर के साथ में बहुत अच्छा
ट्रस्ट रहा और बॉन्डिंग हमारा इस पे रहा। सबसे पहले पैसे विड्रॉल मारो, पैसे नहीं है एंड विड्रॉल मारो सारे के सारे। ये भाई मैंने पैसे भी विड्रॉल मार लिए, ऐसे विड्रॉल कर लेते हैं पैसे अपने अकाउंट में आ जाते हैं थोड़ी बहुत देर में। बाकी अर्निंग की बात करूँ तो 300 रुपये की हमारी अर्निंग हो गई है इस ऑर्डर पर, जिसमें हमें टोटल टाइम हो चुका है अभी तक 4 घंटे 4 मिनट। और ये 27 किलोमीटर आया था, 27 किलोमीटर के 307 रुपये मिले, जिसमें हमारा 1 घंटा वेटिंग का भी चार्ज है, 70 रुपये हमारा वेटिंग का भी है। कुल मिलाकर हमें 300 रुपये की अर्निंग हुई इस ऑर्डर पर, जिसमें हमारे लगभग 2.25 घंटे चले गए। बाकी अभी मैं यहीं पर वेट करता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर आने का, क्योंकि भाई पीरागढ़ी हूँ तो यहाँ से तो ऑर्डर आएगा ही, तो थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ। अंदर आ गया भाई, जाने की क्या ज़रूरत है, ले लो भैया। ये देखो भाई तुम्हारे सामने 300 कुछ का ऑर्डर ले लिया, गजब का ऑर्डर पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने। देखो ये देखो भाई, ये देखो भाई 301 रुपये का ऑर्डर ले लिया मैंने। कहाँ का ले लिया है, वसुंधरा इनक्लेव। ओ बढ़िया भाई, चलो फटाफट चलते पिकअप करने, मजा आ गया भाई, ऐसी ऑर्डर तो चाहिए मुझे। भाई ये पहुंच तो गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, इन्होंने बताया था ग्रीन ये करके अपार्टमेंट है कोई, लोकेशन थी थोड़ी गलत भाई। 300 रुपये का ऑर्डर था, मैंने सोचा छोड़ो मैं चुपचाप, कोई बात नहीं चल लेते, 1-2 किलोमीटर इधर उधर होगा, कोई बात नहीं, मौका नहीं छोड़ना है। देखो लोकेशन कहाँ थी, और यहाँ से लगभग 600-700 मीटर में आ गया हूँ। बाकी कोई बात नहीं, करते हैं वसुंधरा लेके जाना भाई, लंबा ही ऑर्डर है। ये देखो वसुंधरा इनक्लेव। बुक आपने किया तो फिर आपकी लोकेशन गलत कैसे आ गई, आपकी तो पर अच्छा वहाँ पे माई करंट लोकेशन कर लोगे तो भी आपकी लोकेशन ले लेगा। हाँ एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर करंट लोकेशन कर दो ना तो यहीं आएंगे, एड्रेस की ज़रूरत। पेमेंट कौन कराएगा जहाँ जा रहा हूँ वो। ठीक है भाई, ट्रिप हो गई है स्टार्ट। और वे एक बार में स्टार्ट हो गई बाइक भी। चलो भाई अब डिस्टेंस दिखा देता हूँ आपको, कितना दूर दिखा रहा है ये देख लो भाई, और कितना टाइम लगेगा। सुपर फास्ट सर्विस होगी मेरी नॉन स्टॉप। अरे तुम्हारी बाप की बारात में से लौटे हूँ बे। अरे कहना क्या चाहते हो। 31 किलोमीटर दिखा रहा है बे। अरे कहाँ से लेके जा रहा है 31 किलोमीटर, 300 का तो ऑर्डर ही है। ये फोर व्हीलर पे क्लिक करा, 32 किलोमीटर ये मिल गया। अबे 31 किलोमीटर से नीचे तो कोई रूट ही नहीं है तो भाई ये 35 दिखा रहा है, ये क्या कर दिया पोर्टर ने भाई। ये रूट भी भाई ये क्या कर दिया पोर्टर ने, ऐसे थोड़ी ना होता यार, ये मजाक है क्या यार, कहाँ से जाऊँ मैं अब, इससे छोटा तो कोई रूट ही नहीं दिखा रहा। अरे भाई 301 रुपये में 31 किलोमीटर भाई, धोखा कर दिया पोर्टर ने, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी मेरे साथ में। 34 किलोमीटर 31 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, इससे छोटा कोई रूट ही नहीं दिखा रहा भाई। 27 किलोमीटर कैसे जाऊँ, उड़ के जाऊँ, 27 किलोमीटर होना चाहिए ना 300 रुपये का ऑर्डर पे, 27 से 26 कैसे जाऊँ यार। दिमाग क्यों खराब करो यार पोर्टर वालो, ऐ पानी पीता हूँ मैं पहले, अब मैं ऐसे नहीं जा रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिस्पाइट कर रहा दिमाग खराब, छत राइट हेलीकॉप्टर से लेके जा, कहीं से भी लेके जा, मुझे नहीं पता यार, मैं यार रूट दिखाई नहीं रहा है। अब मैं बताया ये कहाँ से दिखा रहा है, अभी दिखा देख, ले लिया 31 किलोमीटर है ये भी यार, ये भी छोटा नहीं है। अब कहाँ से लेके जाऊँ मैं इस ऑर्डर को जो मुझे कम पड़े भाई, कोई सा रूट ही नहीं दिखा रहा 31 किलोमीटर से कम। देखो ये भी अंदर का रोड है वो वाला कश्मीर गेट वाला, ये भी देख लो, ये भी इतना ज़्यादा दिखा रहा है, तो बताओ कहाँ से जाऊँ मैं, छोटा रूट तो दिखाई नहीं रहा मैं। यहाँ से भी अगर टर्न लेता हूँ कहाँ से, यहाँ पंजाबी बाग वेस्ट से जाता हूँ, फिर इधर से निकलता जाता हूँ करोल बाग, करोल बाग से होता हुआ इधर से होता हो जाता है, टाइम लगेगा, लग जाओ जितना लगना है तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई मुझे सिंपल एक सवाल पूछना है पोर्टर वालों से, है ना, ये पोर्टर का ओनर ऐप है ना, इसके अंदर ऑर्डर की जो हिस्ट्री दिखा रही है वो कह रहा है कि आपको 26 किलोमीटर जाना है, जो कि 1 घंटा 6 मिनट लगेंगे। तो मुझे पूछना आपसे ये है, जो आपने 26 किलोमीटर का रूट लिया है वो लिया कहाँ से। यहाँ पर देखो पूरी डिटेल से इसमें दिखा रहा है 26.6 किलोमीटर, तो 26 किलोमीटर ये मान लो पूरा 27 ही मान लो, मैं तो 27 ही कह रहा हूँ। और यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ना तो भाई बाइक पे दिखा रहा है 26-27 किलोमीटर का रूट, न उस पर दिखा रहा है फोर व्हीलर पे, देखो यहाँ 34 किलोमीटर दिखा रहा है। तो क्या 10 किलोमीटर बंदा क्या अपना भी बन गया क्या रूट। ये देखो बाइक पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो दिखा रहा है भाई तुम्हारा 34 किलोमीटर, जिसमें लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट, और इस पर देखो इस पर दिख रहा है 1 घंटा 34 मिनट। तो क्या अब मैं पैदल जाऊँ, यही दिखा रहा है, पैदल में भी 28 किलोमीटर का रूट दिखा रहा है। तो तुम्हारा ये जो 27 किलोमीटर या 26.5 किलोमीटर का रूट दिखा रहा हो, ये क्या तुमने आसमान से ले लिया उड़न छू कि यहाँ से उड़ा बंदर सीधा यहाँ लैंड। नहीं भैया खाली है ही नहीं,
को, मतलब खुले नहीं है। देख रहे हो पता है यार, इतना धोखा हो रहा है, अब क्या कर सकते भाई, जाना पड़ेगा। अबे ये कहाँ ऊबर का पैकेज बच गया, अबे यार ये कहाँ का बज रहा है यार, ये यार पालम का बज रहा है, नहीं यार मेरे रूट पे है ही नहीं है तो ऊबर का पैकेज नहीं। भाई एक डिटेल्स आपको बतानी थी, देखो मेरा मकसद रहता है, अरे मकसद यार गलत सोच लेते हैं लोग, मतलब मेरा मोटिव ये रहता है कि लोगों को मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं, मतलब कि कुछ ना कुछ जो लोगों को नहीं आता, जो भी राइडर है उनको कुछ ना कुछ सिखाऊं, इसे ऊबर को बंद करूं पहले, ऊबर का कोई काम नहीं। तो भाई 34 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा था इसका पोर्टर पे, जबकि ये 300 रुपये का तो ऑर्डर ही है, तो 34 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैंने सपोर्ट को फ़ोन किया, पोर्टर सपोर्ट को, कि ऐसे ऐसे मैडम ने फ़ोन उठाया कि ऐसे ऐसे 34 किलोमीटर दिखा रहा है, एक 37, तो आप मुझे बताओ मैं किस रूट से इसको डिलीवर करूं जो कि मेरा फेयर बाद में अपडेट हो जाए। तो वो बोली एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, उन्होंने भी चेक किया तो 34 ही किलोमीटर दिखा रहा था, आप जल्दी बहुत जल्दी पहले सिग्नल पार कर बाद में देखी आएगी। तो भाई देखो तो 30 उन्होंने बोला आप 34 किलोमीटर छोटा ही रूट है, इससे ही कंप्लीट करो, जबकि पोर्टर का जो वो ऑनर ऐप है उसमें दिखा रहा है, रे रे कुछ भी दिखा रहा होगा, रुको बे पहले पार करने दो। तो भाई ऑनर ऐप में दिखा रहा है 26.6 किलोमीटर, मतलब 26.6, मतलब कि वो है 26 किलोमीटर 600 मीटर, 26.27 मान लो यार, कितना समझा रहा हूँ। तो वो दिखा रहा था, मैंने कहा मैम मुझे वो रूट दिखा, बताओ मुझे 27 किलोमीटर वाला कौन सा है। तो बोली सर 27 किलोमीटर का तो कोई सा रूट नहीं है। तो फिर मैंने बोला तुम्हारे ऐप में क्यों दिखा रहा है कि 26.5 किलोमीटर का भी रूट है एक जाने के लिए, वो रूट बताओ। तो बोले नहीं सर ऐसा कोई रूट नहीं है, ये 34 किलोमीटर वाला ही सबसे छोटा रूट है। तो मैंने बोला आप वहाँ पर मेंशन कर दो और मैं इसे 34 किलोमीटर से डिलीवर कर रहा हूँ और अपडेट करवाऊँगा फिर इसको कंप्लीट करके। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ड्राइवर 34 किलोमीटर से जा रहा है जो कि सबसे छोटा रूट है, बाकी आगे देखते हैं कि पोर्टर हमारी सुनता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो चलते हैं इसको ड्रॉप करने भाई साहब। तो भाई ड्रॉप लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ, बस एक बार देखना है अपार्टमेंट कहाँ पर है, ये लोकेशन थोड़ी गड़बड़ ना हो। ये देखो भाई पहुंच गया हूँ, अब एक बार अपने इस मैप के अंदर देखता हूँ क्या नाम लिखा है, डिलक्स अपार्टमेंट, और यहाँ पर कौन सा अपार्टमेंट है, डिलक्स अपार्टमेंट, मतलब कि लोकेशन तो परफेक्ट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बाइक को पहले तो ऊपर खड़ी कर दो, यहाँ पे सारा कुछ बाद में करो। तो भाई मैं करता हूँ पहले ट्रिप को यहाँ पर आकर एंड, क्योंकि भाई अंदर का तो पता ही अंदर ही देना है। तो यहाँ पर देखूँगा फेयर अपडेट होता है या नहीं, देखो होगा ही नहीं, वैसे ही मुझे पोर्टर से बोल के ही कराना पड़ेगा। देखो 34 किलोमीटर के 12 रुपये बढ़ाए इसने, देख रहे हो 12 रुपये बढ़ाए, और अब मैं इससे एक्चुअल बढ़वाऊंगा जो बनते हैं, कैसे, सपोर्ट को कॉल करके। भाई पोर्टर में काम तो कोई भी कर ले ठीक है, पर पोर्टर को समझाने वाला, पोर्टर वालों को भी समझाने वाला हर कोई नहीं होता है। अभी ये देखो 313 बिल बनाया था मैंने, फ़ोन कराया ऐसे 34 किलोमीटर आया हूँ, तो पता क्या बोले पोर्टर वाले, सर हमारा फिक्स रेट होता है, आप 5 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर जाओ, जितने का ऑर्डर बजा है उतना ही मिलेगा अगर उसमें कस्टमर ने कोई चेंजेस नहीं किया है। अब मेरे दिमाग में बात आ गई, तुम्हारे भाई ने दूसरा दिमाग लगा दिया। मैंने बोला मैम इस पे पिकअप लोकेशन चेंज थी 700 मीटर, जो कि थी एक्चुअल में, मैं गया था पिकअप दूसरी लोकेशन पे बिना किसी चेंजेस के। तो उन्होंने बोला अच्छा पिकअप लोकेशन चेंज थी, हाँ तो भाई फिर पिकअप लोकेशन चेंज थी तो फिर इन्होंने 30-40 रुपए बढ़ा दिए। बोला सर अब आपका हो गया है 358, अब आपको कस्टमर से 358 रुपीस लेने हैं। मैंने बोला बढ़िया अब ठीक है, कस्टमर को कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें बताई और जब जाके अब ये क्लियर हुआ और अब मैं अंदर देने जा रहा हूँ, आधा घंटा मेरा यहाँ भी बर्बाद हो गया। देखो भाई ऑर्डर तो मैंने डिलीवर कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं देख लूँ रास्ता है कि नहीं है, इधर से आपको बतानी थी। यहाँ पर देखो एक तो फेयर चेंज नहीं होता, पोर्टर बोलता है कि भाई फिक्स फेयर है, जितना दिखाया स्टार्टिंग में उतना ही मिलेगा अगर पिकअप ड्रॉप चेंज नहीं होता है, ठीक है मान के चलो ये इन्होंने बोल दिया। अगर यहाँ पर एक बात पूछते हैं कस्टमर से, जैसे अभी मेरे से पूछा कि सर आपकी पिकअप लोकेशन, मैम या जो भी था, कि आपकी पिकअप लोकेशन चेंज थी, उन्होंने बोला हाँ चेंज थी, तो फिर उन्होंने फेयर अपडेट कर दिया। उसके बाद में वो एक चीज़ और पूछते हैं कस्टमर से, क्या आप ये फेयर पे करने के लिए रेडी हो या नहीं। तो वहाँ अगर उन्होंने बोलते हैं नहीं हम रेडी नहीं है पे करने के लिए, तो पोर्टर वाले बोलते सर जितना दिखा रहा उतना ले लो, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है। ये देखो अभी तो मैंने खैर इसको अपडेट करा लिया, दिख रहा इसको करता हूँ कंप्लीट, पहले जाना कहाँ से मुझे। ये देखो इसको 5 स्टार के साथ में डन, 5 भी क्यों देने थे। ये देखो अर्निंग देखो हो गई है 595 रुपये। बाकी भाई मैं आप सभी से यही कहूँगा कि पोर्टर में भाई रूल्स है, अगर कस्टमर बोलेगा कि फेयर अपडेट करना है तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। भाई ये देखो चलते हैं।
तो भाई अगर आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो राइडर की सुनी जाती है बस, पर राइडर की चलेगी नहीं। अगर राइडर बोलेगा ना सर पैसे बढ़ाओ इसके, तो राइडर के कहने पे कुछ नहीं होगा जब तक कस्टमर ये ना बोल दे हाँ ठीक है चलो कर दो। अगर कस्टमर ने मना कर दिया ना, मेरे साथ में एक बार हुआ था, मैं 3 घंटे फंसा था, कस्टमर ने मना कर दिया था कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा एक्स्ट्रा, तो भाई पोर्टर वालों ने पैसे दिए ही नहीं थे मेरे को। 3 घंटे परेशान हुआ था, लगभग हो गई 8-9 महीने पहले की बात है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। बाकी 34 किलोमीटर के भाई 286 रुपये मुझे मिले कमीशन कटने के बाद, नहीं तो भाई इस ऑर्डर पे मुझे सिर्फ 240 रुपये मिलते 34 किलोमीटर के। वो तो बस वही है कि मैं थोड़ा सा बात करना आता है, थोड़ी सी समझा देता हूँ कस्टमरों को और पोर्टर वालों को भी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, कुछ चीज़ें उनको बहुत बारीकी से समझानी पड़ती है, बहुत ही प्यार से, बस अपना काम निकालना है, बाकी फिर भाड़ में जाओ हमें मतलब नहीं है। फिलहाल जब तक अपनी गर्दन फंसी होती है ना तब तक तो हाँ जी सर ऐसे होता है वैसे होता है ये बोलना पड़ता है, उसके बाद में भाई हमारा काम हो जाए और भाड़ में जाए फिर हमें कोई मतलब नहीं। गजब टूबीवाज आदमी। बाकी अर्निंग की बात करें तो 595 रुपये की मेरी हो चुकी है और मैं हूँ भाई अभी वसुंधरा इनक्लेव, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करूँगा, नहीं तो भाई मैं जाऊँगा सेक्टर 7-8-9 नोएडा। ये देखो मैं टच में ही हूँ नोएडा के, ये रहा सेक्टर अपने सबसे पास में सेक्टर 6-7-8, यहाँ पर जाऊँगा, मेरे पास में ऑर्डर बच जाएगा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या आता है भाई यहाँ से। तो भाई यहाँ पर हमने पराठे खाए और जैसे ही खाए यहाँ पर ऑर्डर आ गया है 203 रुपये का तुगलकाबाद, और लेना है मैं तुमसे बोल रहा था कि 5-6-7 सेक्टर जाऊंगा, तो भाई 6 सेक्टर से बजाए और दिखा रहा है 350 मीटर पिकअप, 2 मिनट लगेंगे जाने में, तो चलते भाई पिकअप करने और फिर लेकर चलते हैं इस ऑर्डर को, तीसरा ऑर्डर। मतलब इतने ऑर्डर भी नहीं है कि बारिश हो रही है, पर यह है कि ठीक है चलो खाना खाने के बाद बजा आराम से फुर्सत से, तो अब मैं इसको पिकअप करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं भाई पिकअप करने फिर लेकर चलते हैं तुगलकाबाद। उन्होंने पहुँच गया, उन्होंने बोला एक पीछे आगे वाले में पहुँच गया, पेमेंट इसकी वहीं होगी, हाँ मत बताओ कोई मत बताओ भाई, पार्सल मिल गया पेमेंट तो हम ले ही लेंगे। फिलहाल ये स्टार्ट करो भाई ट्रिप, इतना छोटा सा पार्सल है, ये देखो भाई ट्रिप कर दी मैंने स्टार्ट और अब खाली तुगलकाबाद डाल दिया भाई इन्होंने भी, देखो ये भी मतलब कैसे कैसे बुक कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ डालना, बस खाली तुगलकाबाद डाल दिया। कोई बात नहीं एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस इसका कितने किलोमीटर दिखा रहा, कितना टाइम लगेगा भाई, 18 किलोमीटर है और 41 मिनट लगेंगे जाने में, देख लो 18 किलोमीटर के 200 रुपये, अरे बाप रे, अरे बहुत धोखा कर रहे यार ये, हर रेट कम कर दिया भाई पोर्टर ने, देख रहे हो 18 किलोमीटर के 210-220 भी नहीं 203, देख रहे हो। चलो क्या करते हैं भाई, दोनों ऑर्डर पे देखने को मिल गया, रेट बेकार हो गया, चलते हैं इसको करते हैं कंप्लीट। भाई मैंने भी वो अपना 2 किलोमीटर बचा ही लिया, मैं भी ना तुगलकाबाद बजाय बाहर से आने के तुगलकाबाद अंदर गाँव से होता हुआ आया हूँ मैं, छोटी छोटी गलियों से होता हुआ, और इधर कह रहा भाई जाने के लिए चलो इधर ही घुस जाते हैं, रास्ता है या नहीं है ये देखो भाई, कहाँ कहाँ लेके जा रहा है पोर्टर, देख ही जाएगी जो होगा भाई। ये देखो तुगलकाबाद की पता नहीं कौन सी जगह है ये, भाई बड़ी गंदी है या तो तुम्हारी। चलो भाई पहुँच तो गए, अब डिलीवर करते हैं कस्टमर को फ़ोन करके। भाई 20 मिनट हो गए यहाँ आए हुए, कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, मेरे को ये एक फैक्ट्री लग रही है भाई, दिमाग तो इतना ख़राब हो रहा है ये फ़ोन नहीं उठा रहा भाई कस्टमर, तो मैं एक बार ना इसमें ट्राई करके देख लेता हूँ भाई क्या होगा, मना ही तो कर देगा कोई ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ नहीं रहता कोई, पता करता हूँ एक बार जाके कि भाई कोई नीरज नाम से है क्या, होगा तो मुंह फेंक के मारो। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो पिटूंगा ऐसे दूंगा, अबे नहीं यहाँ तो भाई लड़की है बहुत सारी, अरे यार, अरे भाई कोई नीरज है यहाँ पे भाई, भाई यहाँ नहीं होगा कोई, नीरज शर्मा है यहाँ पे कोई, नीरज शर्मा है यहाँ पे, नीरज के नाम से देखो एक बार, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री का डाला हुआ है ये लोकेशन, फोन नहीं उठा रहा है बंदा, ऊपर होगा मशीन, मशीन का है क्या ऊपर काम, देखो लग रहा है, ऊपर है। चलो मैं देखता हूँ, अरे भाई कोई नीरज शर्मा है, नीरज शर्मा है कोई, नीरज शर्मा, अरे पार्सल आया, अरे बुला दो पेमेंट भी तो लेनी है, 20 मिनट से फोन कर रहा हूँ मैं फिर अचानक, ये कैसे मतलब ये वॉलपेपर है क्या है, मुझे लगा DTF वगैरह है, मैं खुद ही आगे रिक्स लेके मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या होगा, मना ही तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ 20 मिनट हो गए, मच्छर खा गए बाहर, मैंने कहा मैं उनको गुस्सा बहुत आ रहा मुझे, मैंने बोला यार 203 रुपये लेकर आने भाई, ये मैं हैंड करता हूँ अभी 203 दिख रहा नहीं दिख रहा तुम्हें,
भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, रेटिंग दूंगा एक। भाई पूरे 20-25 मिनट ख़राब हो गए, वो तो मैंने अपने ही दिमाग लगाया कि चलो जाके पूछ ही लेता हूँ, एक ही फैक्ट्री यहाँ पर, नीचे पूछा नीचे मना कर दिया, ऊपर वालों ने कह दिया कि हाँ भाई यहीं का है। बाकी इसके भाई मैं 18 किलोमीटर दिखा रहा था ना, मैं 16 किलोमीटर से आया, मैं अंदर गाँव में से घुस के आ गया था। 16 किलोमीटर के 162, 18 आता तो भी 162, 20 किलोमीटर आता तब भी 162, 30 किलोमीटर आता तब भी 162 ही मिलते भाई, घंटा परखने पड़ता कंपनी को, कैसे भी जाओ। चलते हैं अब बाहर, क्या करें भाई, वेट करेंगे बाहर, कुछ ऑटो वाटो बजेगा। अभी तक काम हुआ है 750 रुपये का और घंटे हो गए मुझे 8, 7 घंटे 55 मिनट हो गए टोटल, मतलब 8 घंटे में 750 रुपये का काम, 3 ऑर्डर। ऑर्डर अपना आप खुला है, मैंने खोला, अरे भाई इतना बढ़िया ऑर्डर आ रहा है, देख रहा 84 रुपये का, ये फेक है क्या है पता नहीं। फिलहाल ये देखो उड़ता तीर मैंने ले लिया है, अभी से पिकअप करने चलते हैं, ये ऑर्डर सच है या झूठ है पता नहीं क्या है। चलो चलते भाई सुहेल खान में, वो तो यार गड़बड़ी लग रही है यार, फ़ोन कर लेता हूँ, 84 रुपये का ऑर्डर तुगलकाबाद से, तुगलकाबाद। चलो भाई यहाँ पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे, क्या जाएगा मामला, ओए होए होए यहाँ भी सब ऐसे चल रहा है। देना भाई पार्सल, ये भी सनबोर्ड की मशीन है, पेस्टिंग मशीन, ये बनवाओगे इतना बड़ा साइड में। चलो अंदर अंदर छुपा उसका, ये दूर हो तो दिक्कत होती है, इतना बड़ा कभी लेकर नहीं जाते हम, 4 फिट का है, 16 इंच आता है तो, अरे 16 इंच आता है ना, 16 2 32 16 43, फिर 2.5 गुना हो गया। पेमेंट वही कराएंगे इसकी, पेमेंट वही कराएंगे अभी से, कैसे बंदूक साइड में। चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, ये देखो भाई मजबूरी वाले दिन समझ लो, ये कभी लेके गया हूँ मैं, सीधा कैंसिल हुआ या चार्ज एक्स्ट्रा, पर आज ये दिन आ गए ऐसे ले जाना पड़ रहा है। कोई नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, ऐसे ही साइड में बांध के ले जाऊँगा, क्योंकि भाई पैसे चाहिए, देख रहे हो मैं कभी नहीं लेके गया इतना बड़ा पार्सल, देख रहे हो आप, और मैं आज इसे मैं ऐसे ही ले आया बिना किसी कुछ करे, इसको मैं यहाँ रख के ऐसे और ऐसे ही बांध लूंगा बस थोड़ा सा करके। चलो बांध लेते हैं, लेके चलते हैं, क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। सही बताओ यार, कभी मैं जिंदगी में ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता, पर आज देखो करने पड़ रहे हैं। बस ये सोच लो कि रात का टाइम है और लोकल का ऑर्डर है ना, और मैं पिकअप आया भी था 1 किलोमीटर, इस चक्कर से मैंने कुछ बोला नहीं इस ऑर्डर पे, ऑर्डर भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, 84 रुपये का है, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं कर देता हूँ, कभी नहीं करता मैं पर आज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई क्या अभी कर सकते हैं, मजबूरी है। बाकी ये देख लो अब डिस्टेंस 4.4 किलोमीटर, 14 मिनट दिखा रहा है मेरे को जाने में, तो मैंने कहा चलो करते हैं इसको। तुम मत कर रहा भाई ऐसे काम, कभी मत लेके जाना दिन में, अब अड़ोस पड़ोस की बात हो क्या, लोकल में जाना है तो बात अलग है, इसमें विनायल का रोल है, लेके जा रहा हूँ जो मैं इसको कंप्लीट करने। भाई तुम्हारा भाई ये रॉकेट लेके पहुँच गया है गली नंबर 29 में, अब कहाँ देना है ये नहीं पता, जहाँ भी देना हो 29 नंबर गली के सेंटर पॉइंट में आके लोकेशन हमारी होगी ख़त्म, अब करो फ़ोन और ये रॉकेट उतारो, ये देख रहे हो रॉकेट, देख रहे हो ये रॉकेट है पूरा। तो भाई इस रॉकेट को हम खोलते हैं, देखो मैंने बांधा भी कुछ नहीं था, सिंपल देखो ये इधर फंसा दिया था अपना, किसी ने बांधा कुछ नहीं था, देखो कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं लग रहा बांधने का, ये देखो ये इधर फंसा दिया था, बस कुछ नहीं बांधा था मैंने, मुझे पता ही है पास में तो जाना है, कहीं दूर नहीं है तो कुछ नहीं बांध, अरे कुछ नहीं है इनमें हाथी घोड़े नहीं है, ये पड़ा ये तो खराब हो रहा है, विनायल ही तो है रोल है, ये खोल दिया भाई, अब ट्रिप को करते हैं एंड एंड करके। ये लो भाई 84 रुपये दिखाएगा यहाँ पर अपने, अबे मैंने बाइक ऑन भी रखा था, भग जाएगी अपना आप। ये देखो भाई एंड हो गया, 84 रुपये लेने इनसे, 84 रुपये जाते हैं भाई। अरे नहीं मैं ऊपर देख रहा नीचे देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से लेंगे, मशीन चला रहा हूँ ना इसलिए मैं। कौन सी लगा रखी है, कोनी का लगा रखी है? नहीं यार इको है। आपका नाम इको सर, फ्लेक्स प्रिंटिंग से यार। मैंने कोविड से पहले करता था मैं। कहाँ पे? मैं दिल्ली में भी क्या छावड़ा पे, अगर याद हो तो तुम्हें। छावड़ा पे पे था ना, उस पे किया मैंने। मेन रोड पे ही है? हाँ मेन रोड पे, उस पे किया था मैंने, कोविड से छोड़ दिया था। आप क्यों छोड़, कहाँ जॉब करते थे क्या अपना था? हाँ जॉब करता था मैं, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अच्छा ग्राफिक डिजाइनर। हाँ में आ गए यार, बस वही है कि बदल गई लाइन धीरे धीरे। कैमरा ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पे, ब्लॉगर हूँ। अच्छा हाँ, फिर तो अलग ही लाइन, अलग ही लाइन होगी ना सारी। कितना करना है? 84।
6000 अभी, यहाँ 58,000 हो गए सब्सक्राइबर अपने चैनल पे, चल रहा है इसलिए छोड़ो। देखो लास्ट ऑप्शन तो है, जब कुछ ना हो तो वो हुनर तो भागेगा नहीं, डिजाइनर सब कुछ प्रिंटिंग के ए टू जेड सब कुछ तो आता ही है। अभी मैं सोच रहा हूँ पर DTF मेरे को बहुत सर्च कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। क्या मेरे को ना टी शर्ट वाला करना है, टी शर्ट प्रिंटिंग करना है मुझे, करना सप्लीमेंट नहीं करना मेरे को, DTF करना। DTF में ओखला में तो है, अभी करोगे या बाद में करना है? अभी हाल फिलहाल करना है। तो बेसमेंट में जाओ, एक बंदा है मैं बोलता हूँ कहाँ पर, हाँ उसके बगल में गेट है। अच्छा वहाँ पे भानु जी करते होगा, भानु जी बोलना भैया सामने से आया हूँ, हाँ बाइक साइड करना वही लगा देना, हाँ और बोलना कि भैया रंजीत जी भेजे सामने से, रंजीत जी टी शर्ट प्रिंटिंग कराना है। अच्छा ठीक है, हाँ तो उनके पास मतलब DTF है, वो सीट वीट दे देंगे या कैसे? सब कुछ उसके पास है, पूरा इसका सेटअप ही है, उसका काम करता है। अच्छा अब इतना टी शर्ट है ना, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। हाँ नहीं मेरे को खाली स्टिकर चाहिए, मतलब कि मैं कस्टम डिज़ाइन बनाऊं, हाँ। वो प्रिंट होके मिल जाए, जैसे मशीन सप्लीमेशन मशीन लगा रखी है, सप्लीमेशन भी लगा रखी है। DTF की अलग आती है, सप्लीमेशन की अलग होती है। एक बार ना हाँ मैं ट्राई करूँ, वो आपको क्या बोलूँ कि रंजीत जी ने भेजा है, हाँ भानु जी होगा वहाँ, मैं बाइक करके खड़ी कर दूँ। ठीक है भाई, देख रहा हूँ मैं बिजनेस के बारे में लगा रहता हूँ, इसको करो डन 5-star के साथ में। और बंद है, देख लेता हूँ भाई, 824 का काम हो गया, इसे जेब में डालो पहले, देखो इसे जो अपना बिजनेस करना है धक्का दो। ये वाला बंद है ये तो, हाँ चलो फिर कभी आएंगे। हाँ ठीक है भाई, देख रहा हूँ वो बज गया श्रीनिवासपुरी गोविंदपुरी से, लो भाई लो, आ जा, आई नहीं रहा वो भी, हैंग हो गया, आ गया नहीं, आ गया आ गया, चलो भाई इसे भी लेके चलते हैं, 98 रुपये का। छोड़ो किसी को मत, काम करो भाई, साथ साथ में बिजनेस के बारे में भी अपने करते रहो। देखो मैं सर्च करता रहता हूँ, पता करता रहता हूँ, मैं लगा हुआ हूँ उस चीज़ में। बाकी चलते हैं भाई, अब फिलहाल इसको पिकअप करना है, 98 रुपये का ऑर्डर, इसे भी कंप्लीट करो भाई। बाइक मैंने उधर खड़ी कर दी, मैं इधर आ गया, मैं क्या ट्रा भैया, पोर्टर होगा एक तार का मंडल बताया भैया ने, निवासपुरी के लिए लाओ। ये लो जी भाई, ट्रिप हो गई स्टार्ट हमारी, ये देखो भाई इतना कौन वो रहता है, मतलब कि ट्रस्ट, कोई पेल मत दे भाई मुझे, मेरी बाइक उधर खड़ी, मेरी चाबी कहाँ? ओ भैया, अरे चाचा, अरे पेल दे रही, भाग रहे भैया भाई, मैंने सोचा क्या घुमाओ, अपना पेट्रोल बचाओ यार, वैसे ही कुछ नहीं बच रहा, तो भाई बाइक खड़ी दी अपनी इधर और मैं चला गया था उधर ऐसे ही पार्सल लेने। बाकी अब ड्रॉप डिस्टेंस मैं आपको इसका दिखाऊं तो भाई डिस्टेंस दिखा रहा हमें इसका, तो मस्ती भी लेता हूँ भाई, पैदल भी चलना चाहिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये भाई दिखा रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में टाइम पता कितना लगने वाला है? 19 मिनट। चलते हैं, करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई पहुंच गए लोकेशन पर, ओहो भाई ये ट्रिप को करो एंड। ये लो जी, ₹98, 98 होगी, थैंक यू भाई, पैसे मिल चुके हैं, कंप्लीट करते हैं इस ट्रिप को भी, ये 5-star के साथ में डन। और अब देखोगे तो भाई 903 रुपये काम हुआ है टोटल, और टाइम की बात करूँ तो भाई टाइम भी इतना ही हो गया होगा भाई, पूरे 9 घंटे के अंदर 903 रुपये काम, और 5 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई मैंने बहुत सारे ऑर्डर आपको दिखा दिए, अब ऑर्डर होंगे नहीं पता, बाकी फ़िलहाल अभी हम वीडियो में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिए 5 ऑर्डर, ज़्यादा दिखाऊंगा तो फिर और लंबी वीडियो हो जाएगी, और अंधेरे में अब मैं क्या ही दिखाऊं, क्योंकि दिन के उजाले में देखने का जो मजा है वो रात में नहीं है, रात में तो कुछ और ही दिख जाए वही बढ़िया है। बाकी वीडियो को करते हैं भाई पॉज, अब छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और आपको देते हैं कुछ अपडेट। तो भाई सड़कों पर आप देख सकते हो दशहरा की कैसी तैयारियां चल रही है, सड़कें जगमगा रही है, लाइटों से झमझमा रही है। ये देखो भाई इधर जहाँ तहाँ मेले लगे हुए हैं दशहरा की खुशी में, वो दशहरा की खुशी कहाँ से हो गई, अब आपको हर दिन सड़कों पर भाई रौनक ही देखने को मिलेगी। दिवाली की तैयारियाँ झूम मतलब जोरों से चल रही है, और हमारा काम बिल्कुल पिटा पड़ा है भाई, हमारी दिवाली का दीवाना लिखा पड़ा हमारे काम का, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ हमारा तो दिवाला निकल गया भाई, काम वाम हो नहीं रहा है। बाकी भाई बहुत सारी चीज़ें आज आपको मैं घर जाके बताऊंगा, बहुत ही काम की चीज़ें हैं,
शायद आपके दिल पे लग जाए, नहीं लगे तो भाई लगा लेना। क्या बोला तूने? क्योंकि भाई अगर आपने नहीं वो सुनी बातें तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर, मेरा कोई ऑर्डर नहीं बज रहा घंटों से, तो मैं कब तक बैठा रहूँगा? तो मैं जा रहा हूँ भाई सीधा घर। अभी मैं हूँ शेखसराय और सीधा जा रहा हूँ अपने घर। घर आने में भी वो मज़ा नहीं रहा जो पहले होता था, एक अलग ही खुशी होती थी, गाड़ी लगती थी यहाँ पर अंदर से, बस दिल इतना खुश होता था। बट अब दिल दुखी रहता है क्योंकि भाई काम कुछ हुआ नहीं होता है, जो कमा के आते वही भाई हमारा खर्चा खर्चा निकल पाता है। बाकी मैं पहुंच चुका हूं घर, मीटर की रीडिंग 25,446 और टाइम की बात करूं तो टाइम हो गया 9:27। तो भाई घर आ चुका हूं मैं, अब बात कर लेते हैं पूरे दिन की चर्चा। मार्केट में अभी तक सारे राइडरों के मन में एक ही डाउट है, सब एक ही बात को बोल रहे हैं कि जो भाई पुराने राइडर हैं उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और जो नए राइडर हैं उनको ऑर्डर ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है ये बात सच भी हो, क्योंकि भाई कंपनी चाहे कि जो नया ज्वाइन करे तो उसे लगे कि भाई पोर्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम है और वो रुक जाए। पुराना राइडर ये सोचे कि अभी मार्केट में डाउन है, मार्केट डाउन है, काम कम चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा काम ठीक हो। तो मतलब दोनों को एक तरीके से फंसा रखा है, जो पुराने हैं वो जा नहीं रहे, जो नए हैं वो आ गए हैं अर्निंग देखकर, वो बेचारे जा नहीं पा रहे हैं कि भाई इसमें तो काम अच्छा है। ऐसा हो सकता है, मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ कि हाँ हो सकता है मार्केट में, क्योंकि पहले भी कंपनी ने ऐसा करा था, जो इलेक्ट्रिक वाले राइडर थे उन पर ऑर्डर ज्यादा आते थे और जो पेट्रोल वाले थे उन पर ऑर्डर कम आते थे। अभी भी वही सीन है, जो इलेक्ट्रिक से चलाते हैं जिप वगैरह की लेके उनको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। तो हो सकता है ये अपडेट के अंदर किया हो, अपडेट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है भाई। जब से अपडेट किया बंदे कह रहे भाई ऐप सही से काम नहीं कर पा रहा, किसी का काम नहीं हो पा रहा, जो भी है सब आपके सामने है भाई, बहुत बुरे हालात है। मैं तो अब ये कहूंगा कि भाई पोर्टर, खाली पोर्टर के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप निकल रहे हो तो मैं भी कल से भाई अपना रैपिडो ओला वगैरह, मतलब रैपिडो तो नहीं, खैर उबर लेकर साथ में निकलूंगा, साथ में बोल दो भी रहता है अपना ऑन, कि भाई जैसे तैसे करके अपना फिलहाल काम निकालो और जल्द से जल्द छोड़ो कि ये लाइन बदल दो। क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा मैं भी बीच में किसी ना किसी बिजनेस के बारे में डिस्कस करता रहता हूं, तो आप जल्द से जल्द हो सके तो निकल जाओ लाइन छोड़ के। बाकी आपका स्विगी में हो रहा है तो स्विगी में कर लो, जोमेटो में तो जोमेटो में, लॉर्ड शेयर साइड ऑफ एक्स, इतनी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां, मल्टीपल कंपनी है, सब में आईडी बना लो भाई, जिसमें मौका लगे, जिसमें आपको ऑफर दिखे उसमें काम करो और उस दिन अपना टाइम निकालो और अपना खर्चा निकालो। बाकी भाई मैंने सभी भाइयों से बात करने के लिए जो भी अपने किंग फैमिली के मेंबर्स हैं टेलीग्राम पर चैनल बनाया और वहां पर हम बातें कर रहे हैं सबसे, ताकि सब बताते रहे, अपडेट देते रहे मार्केट के बारे में कि क्या कहाँ क्या कैसा हाल है। तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हम सभी से भाई लगातार बात करते रहेंगे, भाई क्या स्टेटस है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कैसे मार्केट के हाल है, आज ऑर्डर फ्लो कैसा है, वो सारी चीजें हमारे लाइव डिस्कस करते रहेंगे। कि वीडियो तो अगले दिन मिलती है पर उस दिन हम उस पर बात कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना, नीचे मिल जाएगा। बाकी भाई अगर अर्निंग की बात करें तो टोटल 900 प्लस की अर्निंग हुई, जिसमें आज बाइक चली 108 किलोमीटर तो 200 का पेट्रोल लगा, 50 रुपए खाने में खर्च, तो 250 खर्च हो गए, तो बचे कितने लगभग भाई हमें 650 रुपए के समथिंग। काम कितने किया 10 घंटे, 10 घंटे काम करने के बाद जहां 1,000 या 1,100 रुपए बचते थे आज वहां 600-650 रुपए ऐसे बच रहे। तो मतलब मार्केट अभी काफी डाउन है। बाकी हाँ कल से हमने सोच लिया कि भाई साथ में उबर लेकर चलेंगे। देखो अब रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलने शुरू हो गए, कल मैंने 5 ऑर्डर कंप्लीट करे तो भाई 10 घंटे लॉगिन के 5 पॉइंट, वो 50 पॉइंट, और 5 ऑर्डर कंप्लीट करे उसके 250 पॉइंट, तो टोटल 300 पॉइंट मिले। और भाई का एक बंदे ने 5-स्टार रेटिंग नहीं दी, तो ये तो भूल जाओ भाई के रेटिंग पेटिंग, इनाम पिनाम के चक्कर में जब से पड़े हैं ना, जब से ये दिवाली 2.0 आया, हर दिन दिवाली, उस दिन से काम की लंका लग गई है भाई, हमेशा काम बढ़ता था और इस बार घट गया है। तो भाई जैसे तैसे करके काम चलाओ मार्केट में, मैं तो बोलूंगा जल्द से जल्द स्विच कर दो या बदल दो काम को अपने। बाकी वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे ही मैंने आज बहुत बड़ी वीडियो बना दी, बाकी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।